हिंदू खतरे में कैसे नहीं है? हिंदू के मंदिर तोड़ा जा रहा है, हिंदू जिनकी मृत्यु हो गई, जिनको मार दिया गया, उस व्यक्ति के लाश पर पेशाब किया जा रहा है, उसको चप्पल से पीटा जा रहा है, उसके साथ मतलब विभूत तरीका से ये किया जा रहा है, ये प्रशासन कहाँ थे? भर लोग सर गड़बड़ करेंगे तो उसका पूरा मुस्लिम कैसे दोषी हो गया? ये पूरा मुस्लिम का नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू पर हो रहा है, हर जगह हिंदू पर हो रहा है, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, ये दोनों का जो मर्डर था, बिजली मांगना क्या गुनाह है? क्या रोजगार मांगना कोई गुनाह है? क्या विजय सिंह की हत्या सरकारी मर्डर था? ये इसके सारे के उत्तरदायित्व बिहार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। जब जो है हिंदू में ही सवार में दलित पर अत्याचार करता है, उस वक्त बीजेपी नहीं बोलती है, एकदम बोलती है। धार्मिक एंगल आता है तब चिल्लाते हैं। अरे रुकिए, पंच तीर्थ योजनाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारतीय जनता पार्टी ने लाई, ये लोग तो सिर्फ दलितों, ये लोग दलितों का सिर्फ शोषण करने वाले लोग हैं। जिस व्यक्ति को पानी पी पी करके कहे कि सबसे बड़ा घोटालेबाज है, सबसे बड़ा चोर है, होटवार कैदी नंबर ये, और उसी का चरण वंदना करने में इनको शर्म नहीं लगता है। लालू यादव इज पॉलिटिकल प्रिजनर। क्या पॉलिटिकल प्रिजनर है वो? लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, लालू यादव घोटाला सम्राट हैं, चोर हैं, गरीब गुरबा के मसीहा हैं, गरीबों के अनाज धन संपत्ति चुराने वाले लोग हैं, गरीबों को बिहार से पलायन कराने वाले लोग हैं, उनको कोर्ट ने कहा कि ये चारा चोर हैं। प्रधानमंत्री किसी धर्म विशेष के नहीं हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके राज्य में उनके जहां सरकार है वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, वहाँ सभी के लिए सड़कें बनती है, सभी के लिए विकास होता है, लेकिन यहाँ जो है विशेष समुदाय को इसलिए उकसाया जाता है कि एक विशेष समुदाय को टॉर्चर होगा तो उसका वोट बैंक हमको होगा, उसे वोट मिलेगा। आपके यहाँ गैस कैसे आता है सर? गैस सुनिए, बता रहे हैं गैस तो हमारे के यहाँ इतना सस्ता है आज के डेट में, जिसको 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है वो भी 1200 रुपया का गैस ले रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी विपक्ष में होती है तो आप विपक्ष को कैसे काम करना चाहिए आप बीजेपी से सीख सकते हैं, ये आपके कायल हैं लोग, आप जहाँ विपक्ष होते हैं अच्छा काम करते नहीं, हैं लेकिन मेरा सुनिए। मुहर्रम का पर्व चल रहा है, दरभंगा में मुहर्रम के अवसर पर कुछ उपद्रवियों के द्वारा मारपीट हुई, माहौल वहां का गर्म है। वहां पर विजय कुमार सिन्हा जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। सर आप लोग नेता हैं, आप लोग कहीं जाइएगा तो लोगों को शांत कीजिएगा या भड़काइएगा कि हिंदू खतरे में है, इसी पे बात करेंगे। मैं इंट्रो कर देता हूँ, अरविंद सिंह है, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अपनी बातों को अपने अंदाज में रखने के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोग का नेता है सर, आप लोग का काम है शांति सौहार्द करें, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वहाँ जाके बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है। जो रेप करता हो उसको बलात्कारी कह देंगे तो आपको कैसा लगेगा? जो बलात्कार करेगा उसको बलात्कारी कहेंगे ना, जो चोरी करेगा उसको चोर कहेंगे ना, तो जो खतरा में रहेगा उसको तो कहेंगे कि खतरा में है। हिंदू खतरे में है, एकदम खतरे में है। कैसे खतरे में बताइए सर? देखिए जब आप मंदिर पर अटैक करेंगे, जब कोई मरा हुआ व्यक्ति के लाश को आप जो है मारेंगे, उस पर पेशाब करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? कार्रवाई करवाइए ना, कार्रवाई हो रही है, अरेस्ट हुए हैं लोग। अरे भाई कार्रवाई कौन करेगा, जहाँ DMSP सरकार का है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हैं, जहाँ गोली मारने पर कहते हैं कि पब्लिक गोली मार दिया है, पुलिस गोली मारता है कहते हैं कि पब्लिक गोली मार दिया कटिहार में तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो ये बेलगाम करके धार्मिक उन्माद फैला करके जब दो समुदायों को आपस में लड़ा करके वोट की राजनीति ये लोग करेंगे, जब DMSP जो वहाँ पर ये दंगा हुआ, ये लोग पर क्या कार्रवाई हो रही है? ये लोग जो है वहाँ पर आज भी जा करके वहाँ पर भड़काने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो है ये सरकार का किया हुआ दंगा है, सरकार के जो CID था वो कहाँ था? जब वहाँ पर इस तरह का माहौल बन सकता था, इसका अंदेशा होना चाहिए था ना सरकार को, उसकी व्यवस्था करके रखना चाहिए था ना। तो ये सरकार के द्वारा कराया हुआ दंगा है, और एक विशेष समुदाय को भड़का करके एक विशेष समुदाय पर यह हमला कराया गया है, इसलिए कि वोट की राजनीति है, किसी समुदाय के वोट लेने के लिए इस तरह का राजनीति किया गया है।
नीतीश जी तो कहते रहते हैं कि गड़बड़ करने वाले कुछ लोग इधर भी हैं, कुछ लोग उधर भी हैं, जो गड़बड़ करने वाले हैं उसको ठीक किया जाए, उसको लेके हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम सर बीजेपी वाले क्यों करते हैं? बड़े नेता हैं विजय कुमार सिन्हा। पलटी मार राजनीति के सम्राट हैं नीतीश कुमार जी। फ्रॉडिज्म से कैसे सरकार चलती है इसका उदाहरण है। तो जो व्यक्ति का चरित्र इस तरह का होता है वो तो उसी तरह से सारा चीज को देखेगा। आप करेंगे तो मास्टर स्ट्रोक, वो कर दिए तो पलटी मार। आपने महाराष्ट्र में, मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाह रहा था सर, महाराष्ट्र में आप कर दिए तो चाणक्य नीति हो गया। नीतीश जी पलटी मार दिए, आपके साथ आएंगे तो आपका जो है ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। हमने महाराष्ट्र में पलटी तो नहीं मारा है, वो अपने को संभाल नहीं सके, उनके नेता पर उन्हीं के दल के लोग विश्वास नहीं कर सके, वो हमारे के यहाँ आ गए। इनके यहाँ तो हमारे ऊपर कोई अविश्वास नहीं किया, ये तो कभी उधर बंदर बांट की रोटी खाने वाले लोग हैं। ये जो हैं दो ठो बिल्ली के झगड़ा में एक बंदर जो है, तो ये तो बंदर बांट की रोटी खाने वाले हैं, सियासी पलटी मार हैं। ये जो है पलटीमारों के सम्राट हैं। कैसे जो है किस तरह से राजनीति में कुर्सी पर बैठा जाता है, जिस व्यक्ति को पानी पी पी करके कहे कि सबसे बड़ा घोटालेबाज है, सबसे बड़ा चोर है, धोटवार कैदी नंबर ये, और उसी का चरण वंदना करने में इनको शर्म नहीं लगता है। हजारों नेता हैं सर जिस पर आप आरोप लगाते हैं, मैं गिना दूंगा नाम सर, मैं नाम गिना दूंगा। मैं ये आपके अजीत पवार जी हैं, चार पांच लोग वहाँ पे हैं जिसका आपने नाम लिया, और यहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा जी को देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी जी को देख लीजिए, आप ही ने आरोप लगाया, करोड़ों हजारों करोड़ का आरोप लगाया, आप में आ गए तो धुला गए वो। तो एक बात बताइए, इनमें किन किन को सजा हुई कोर्ट से, किन किन को कोर्ट से सजा? कहते थे कि सबसे हमने बात समझ, जो जो मैं कह रहा हूँ उसको हमको बताइए, जिनको सजायाफ्ता हो गए, जो कोर्ट से चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, जो कोर्ट से बेल पर हैं, उस व्यक्ति को आप चरण वंदना कर रहे हैं जो बिहार को लूटने का काम किया, जो बिहार को आप पानी पी के कहते थे कि हमने विकास करने का काम किया, सुशासन लाने का काम किया, तो कौची के सुशासन ले आए? चारा घोटाला के अपहरण क्या पॉलिटिकल है? तो लालू यादव इज पॉलिटिकल प्रिजनर। क्या पॉलिटिकल प्रिजनर है वो? लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, लालू यादव घोटाला सम्राट हैं, चोर हैं, गरीब गुरबा के मसीहा हैं, गरीबों के अनाज धन संपत्ति चुराने वाले लोग हैं, गरीबों को बिहार से पलायन कराने वाले लोग हैं। उनको कोर्ट ने कहा कि ये चारा चोर हैं, वो चारा चोरी के आरोप में वो जेल गए थे। सर हमको वापस चलिए दरभंगा, जब दरभंगा में जो दरभंगा में सरकार ने ये पूरा क्राइम कराया है, इसके पूरा दोषी बिहार सरकार है, बिहार सरकार के मुखिया और बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी डीएम और एसपी हैं वहाँ। अगर वो पहले से इस पर संज्ञान लेते तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती, और दरभंगा में आज जो भी घटना हुई है उसका उत्तरदायी बिहार सरकार के मुखिया, गृह मंत्री और बिहार सरकार में दरभंगा के डीएम एसपी और प्रशासन है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी घटना में पीड़ित हैं उनको उसके उचित मुआवजा मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, इसकी ट्रायल हो, और सरकार को जो झूठ बोल करके पहले ही जो बयान दे देता है लोग पोस्टमार्टम के पहले ही जो है कि ये हार्ट अटैक है और ये जो है दूसरा कोई गोली मार दिया है, इस तरह का बयान बंद करके झूठ बोलने और सियासी शतरंज बिछाने का काम बंद करें। ये जनता है, सब जानती है, और सारा चुनाव में 24 में सुपड़ा जब साफ होगा और 25 में रावण का वंश वाला हाल होगा तब समझ में लोग को आएगा। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो दरभंगा में हुआ उस पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उसको आप हिंदू खतरे में है, कम्युनिटी रंग दे रहे हैं, गड़बड़ करने वाले लोग हैं, उसकी सख्त कार्रवाई हो। भाई हिंदू खतरे में कैसे नहीं है? हिंदू के मंदिर तोड़ा जा रहा है, हिंदू जिनकी मृत्यु हो गई, जिनको मार दिया गया, उस व्यक्ति के लाश पर पेशाब किया जा रहा है, उसको चप्पल से पीटा जा रहा है, उसके साथ मतलब विभूत तरीका से किया जा रहा है, ये प्रशासन कहाँ थे?
ये सारा चीज, इस सारा चीज का दोषी बिहार के मुख्यमंत्री भर लोग सर गड़बड़ करेंगे तो उसका पूरा मुस्लिम कैसे दोषी हो गया? देखिए पूरा मुस्लिम का नहीं कर रहे हैं लेकिन हिंदू पर हो रहा है, हर जगह हिंदू पर हो रहा है, हिंदू पर होगा। पीएम आपके हैं, सबके सब हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, बिहार के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है हिंदू है, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कहा जाए तो हम लोग पीएम में नहीं होगा। अरे भाई तो पीएम तभी ना कार्रवाई करेंगे डायरेक्ट दरभंगा में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा बिहार में, हिंदू नहीं है तो भाई, तो नीतीश जी वोट के लिए ना ये कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किसी धर्म विशेष के नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके राज्य में उनके जहां सरकार है वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, वहां सभी के लिए सड़कें बनती है, सभी के लिए विकास होता है, लेकिन यहां जो है विशेष समुदाय को इसलिए उकसाया जाता है कि एक विशेष समुदाय को टॉर्चर होगा तो उसका वोट बैंक हमको होगा, उसे वोट मिलेगा, वही करा रहे हैं। देखिए ये लोग जो हैं धार्मिक उन्माद फैलाना, जातीय उन्माद फैलाना, आप देखिए जब राजद की शासन थी तो कैठो यहाँ पर भ्रष्टाचार तो होगा ही, आप लोग ये सब करवा सवाल पहले रुकिए ना, तो कैठो यहाँ पर नरसंहार हुआ, तो ये नरसंहार सरकारी नरसंहार था, संरक्षण दे दे के नरसंहार था। उसी तरह से नीतीश सरकार में ये सरकारी दंगा है, ये सारे जितने हो रहे हैं, कटिहार में जो मारा गया एक मुस्लिम बच्चे को मारा, एक हिंदू बच्चे को मारा, वो दोनों जो मारे गए ये सरकारी मर्डर था, पॉलिटिकल मर्डर था, ये दोनों जो मरे चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, ये दोनों का जो मर्डर था, बिजली मांगना क्या गुनाह है क्या, रोजगार मांगना कोई गुनाह है क्या, विजय सिंह की हत्या सरकारी मर्डर था, ये इसके सारे के उत्तरदायित्व बिहार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, और ये सारा का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और दरभंगा में जो जातीय उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, इसका भी खामियाजा बिहार के गृह मंत्री को भोगना पड़ेगा। जनता सब जानती है, जनता में उबाल है, जनता में इतनी उबाल है कि जो मरा है उसके परिवार से पूछिए, हम विपक्ष में हैं, मेरा काम है आवाज़ उठाना, सभी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन जिसकी गलती होगी उसको कहेंगे किसका गलती है। सवाल करें सर, हाँ करिए क्यों नहीं, एक सौ सवाल करने का वक्त आ रहे हैं। जब जो है हिंदू में ही सवर्ण दलित पर अत्याचार करता है उस वक्त बीजेपी नहीं बोलती है, बोलती जब धार्मिक एंगल आता है तब चिल्लाते हैं। अरे रुकिए, पंच तीर्थ योजनाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारतीय जनता पार्टी ने लाई, ये लोग तो सिर्फ दलितों, ये लोग दलितों का सिर्फ शोषण करने वाले लोग हैं, ये लोग दलितों का रोज मर्डर कराते हैं, ये लोग दलितों के साथ रोज अत्याचार करते हैं। हाथरस पर बोलिएगा, इंद्र मेघवाल पर बोलिएगा, हाथरस में जो घटना हुआ, अरे हाथरस से घटना ही लोग का कराया हुआ घटना था, ये लोग जो है अपने घटना करा करके थोपते हैं दूसरे पर, ये पानी छूने पर मार, सुनिए ये सारे लोग जो है, अरे हमको मुजफ्फरपुर में वहाँ कहाँ गए, अरे भाई आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं, बिहार में ना आइए, बिहार में जो घटना हो रही है ये सारे घटना जो है दलितों के साथ हो रही है, ये पता करिए कौन मरे हैं, ये लोग दलितों का शोषण करने वाले लोग हैं और दलितों के वोट के लिए झूठ बोलते हैं, ये पूरा फ्रॉडिज्म से सरकार चल रही है, और हम लोग ने काम किया है, विकास किया है, हम लोग का ऐसा इतिहास नहीं है, इतिहास ये लोग का है, पूरा भ्रष्टाचार का इतिहास ये लोग का है। जहां जहां बीजेपी विपक्ष में होती है तो आप विपक्षी विपक्ष को कैसे काम करना चाहिए आप बीजेपी से सीख सकते हैं, ये आपके कायल हैं लोग, आप जहां विपक्ष होते हैं अच्छा काम करते नहीं, हैं लेकिन मेरा रुकिए सुनिए, पूरे देश में 70 साल में जो विकास कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया, और पूरे दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गई, और 3री अर्थव्यवस्था अगर अगला चुनाव में 3ती अर्थव्यवस्था में रहेगा, और जुआ का रोजगार खत्म आप ही कर दिए, हर जगह नौकरी है, हर जगह रोजगार है, ये अग्निवीर जो है अग्निवीर जो है पेट्रोल तो हम इतना सस्ता किए हुए हैं कि जिसका अभी कांग्रेस जो है 350 रुपये पेट्रोल करता पाकिस्तान को फेल कर देता, देश बेचने वाले लोग क्या करेंगे, देश बांटने वाले लोग क्या सस्ता करेंगे, ये लोग तेल बॉन्ड जो जारी किया पता है, तेल बॉन्ड आज भी हम उस वो
हम जो है उसका पैसा भर रहे हैं जो इनका किया हुआ कुकर्म है, ये लोग क्या बोलेगा? तीन गुना हो गया कर्जा। सुनिए ये लोग जो है, ये लोग तो देश बेचने वाले थे, कर्जा हो गया। कांग्रेस जो तेल बॉन्ड, जो ऑयल बॉन्ड जो जारी किया था, उसका कर्जा चुकाते चुकाते भारत के अभी किसी नागरिक पर कर्जा नहीं है, समझ गए ना? ये आप, ये 1,55,000, अरे ये आप तेजस्वी विश्वविद्यालय वाला पढ़ाई पढ़े हैं, जो भाई वीरेंद्र जो है, सुन लिया, हमारे विश्वविद्यालय में सब नहीं है। हमारा विश्वविद्यालय आज दुनिया में भारत विकसित राज्यों की श्रेणी में जा रहा है। और सुन लीजिए, टमाटर कौन कब सालों भर टमाटर खाया जाता है क्या? बिना टमाटर खाइएगा तो पेट में पथरी हो जाएगा, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। टमाटर जो है सालों भर खाया जाता है, हर सीजन में जो फसल है उसको खाइए ना, क्यों टमाटर पर जा रहे हैं? और दूसरा फल है, आपके यहाँ गैस कैसे आता है सर? गैस सुनिए, बता रहे हैं गैस तो हमारे के यहाँ इतना सस्ता है आज के डेट में, जिसको 1,25,000 रुपया 1,50,000 रुपया तनख्वाह है, वो भी 1,200 रुपया का गैस ले रहा है, सुन लीजिए। और 20 रुपये किलो नेनुआ मिल रहा है, 20 रुपये से 30 रुपये किलो भिंडी मिल रहा है, सब्जी इतना सस्ता है, सैलरी कितना मिल रहा है उसका हिसाब नहीं करते हैं? आप पता करिए कि सैलरी किसको करता है, और किसान को तो और सब सब्जियां महंगा होनी चाहिए थी। अंडानी अंबानी का दुगना हो गया सर, तीन गुना। अरे अंडानी अंबानी को कहां जा रहा है बिजनेसमैन के बारे में? आप किसान का सैलरी पर आप चाह रहे हैं आपका दुगना हुआ। अरे आप सुनिए, बता रहे हैं, हमको तो सैलरी नहीं मिलता है। आपको लगता है कि किसान को फ्री में मिले बांटे? अरे जो लोग जो है फ्री में क्यों देगा? किसान का और सामान महंगा होता किसान सुखी होंगे, किसान मेहनत करता है, समझ गए ना? नहीं, नहीं, आपका तनख्वाह बढ़ रहा है तो आप नहीं चिल्लाते हैं? टमाटर एक एग्जांपल देते हैं सर, टमाटर पर ले लीजिए, जब खेती होती है टमाटर पर जा रहे हैं, फेंकना पड़ता है अभी वो बिजनेस जो, अभी टमाटर का सीजन है क्या? वो नहीं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी टमाटर का सीजन है, ये किसान नहीं बेच रहा अभी टमाटर, टमाटर का सीजन है। कांग्रेस के सरकार में ये कौन महीना है? जुलाई है सर। जुलाई में टमाटर देखे थे कांग्रेस के सरकार में? नहीं था। ये अभी हम लोग का सरकार है तो टमाटर हम लोग रोड बढ़िया बनाए, रोड हम लोग बढ़िया बनाए हैं, संतुष्टि करना बोल रहे से सुनिए। जब हम अभी हम लोग का सरकार बना है तो ये 4 लेन 6 लेन 8 लेन पर जो चल रहे हैं सड़कों पर, तो टमाटर आंध्र प्रदेश से बिहार आ जा रहा है, समझ गया ना? समझ गया ना? और जो हम लोग जो हर चीज का सुविधा जो हुआ है जिसके चलते टमाटर यहाँ आ रही है, नहीं तो ये लोग टमाटर देखते नहीं थे जुलाई महीना में, अभी खाने के लिए सपना देख रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के किए हुए विकास योजनाओं के चलते इनको सुविधा पर सुविधा मिल रही है और सुविधा के आदि हो रहे हैं। थोड़ा कहिए कि जुलाई महीना में टमाटर कम खाइए, नेनुआ झिंगी खाइए तो स्वास्थ्य लाभ होगा। टमाटर नहीं खाना है, टमाटर से पथरी भी होता है, स्वास्थ्य समस्याएं भी होती है, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है दरभंगा में, उसको लेके लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर से ऊपर उठिए, जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सबको न्याय मिले, माहौल वहाँ पे शांत हो। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी शांति की अपील है हमारी टीम की ओर से। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।